विदिशा जिले में कल रात हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, जिसके चलते कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने नगरपालिका की टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान कई जगहों पर बने नाले को भी देखा और सही करने की बात कही। शहर से दूर बनी राजीव आवास योजना के मकानों ने कई दिनों से पानी की समस्याओं की शिकायत आ रही थी। लगातार शिकायत आने के बाद आज कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेकर निरीक्षण किया। वहीं नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह के साथ नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे और जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने की बात कही। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है? रानी विश्वकर्मा। कहाँ रहती है? राजीव गांधी आवास योजना। क्या परेशानी आ रही है? पानी की परेशानी आ रही है। इन लोगों ने ना वो कनेक्शन करवा ली है, पानी दे नहीं रहा। एक नाले वो भी टाइट चल रहा है। आज नगर पालिका वाले एक पाइप बढ़ाने आए, दो दो तीन दिन लोग चढ़ते हैं जब वो नल चल पाता है, और टंकियों में पानी नहीं दे रहे हैं। बताओ, कनेक्शन करवा लिए, चार चार महीने हो गए, टंकियों में पानी नहीं है। एक पुलिया भर जाएगी ना तो यहाँ एक तो पानी की समस्या पहली, और दूसरी ये बरसात में पुलिया भर जाती पूरी। बताओ, आने जाने की सब सुविधाएँ खत्म हो जाए, हम क्या करें गरीब लोग। निरीक्षण कराए ये राजीव आवास योजना में, क्योंकि हमारे जो हितग्राही परिवार हैं या जिन्होंने यहाँ पे मकान लिए हैं वो शिफ्ट होना चालू हो चुके हैं, और उनकी दो तीन समस्याएं थीं, जैसे उनकी पानी की एक समस्या है, उसके लिए आज निरीक्षण किया गया और शीघ्र सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इनकी दो विषय और हैं, एक स्ट्रीट लाइट और एक पुलिया का विषय है, ताकि बारिश में आवागमन बाधित ना हो, उसके लिए निरीक्षण कराया जा रहा है और उसके लिए उचित निर्देश करके शीघ्र व्यवस्था की जाएगी। सर, शहर में घूम रहे थे सर, वो नाले वाले कुछ जगह ये जरूर देखने में आया है कि ऐसा लग रहा है कि विगत एक वर्ष में कहीं पे किसी ने नाली रोकी है, अपना मकान या जमीन को थोड़ा पूर दिया है, जिससे पानी का जो निकासी है वो बाधित हुई है। और आज एक आध कॉलोनी में जो भी देखने में आया है कि जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, उसको शीघ्र नालों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं और शीघ्र उसमें कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।